फैक्टर बाय विकास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ये एक्स वाई जेड सुरक्षा क्या होती है। अभी हाल ही में कंगना रनौत को वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि ये एक्स वाई जेड सुरक्षा क्या होती है, ये किनको दी जाती है और इनकी संरचना क्या होती है इत्यादि सभी जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यही वो एजेंसी है जिसके द्वारा एक्स वाई जेड सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स लेयर की। एक्स प्रोटेक्शन जिनको मिलता है इसके अंतर्गत दो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें से एक उनका व्यक्तिगत सिक्योरिटी होता है और दूसरा व्यक्ति एक गार्ड होता है जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। जबकि वाई सुरक्षा जो होती है उसमें टोटल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें दो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। उधर दूसरी तरफ जेड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें ITBT और CRPF के जवान भी शामिल होते हैं और इसमें एक एस्कॉर्ट कार भी मिलती है। जबकि जेड प्लस सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 कमांडो होते हैं जो कि NSG के अंतर्गत आते हैं। शेष इसमें ITBT और CRPF के जवान भी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा कुछ अति विशिष्ट यानी कि VVIP को ही दी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। और अंत में हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड सुरक्षा होती है ये गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बल की तरफ से मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्स वाई जेड कैटेगरी की सुरक्षा समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से पहले हम इंस्टाग्राम पे बता देते हैं कि आज कौन सा वीडियो आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।